सीधी तस्वीरें आपको गोरखपुर की दिखाते हैं। तो एक बड़ी सौगात गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, 55 करोड़ से ज्यादा की ये सौगात बताई जा रही है। और मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं और ये बड़ी सौगात गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। 55 करोड़ से ज़्यादा की सौगात, बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 55 करोड़ से ज़्यादा की ये सौगात मिली है। इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 बेड के वार्ड का जायजा भी लिया और कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है 55 करोड़ की सौगात। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस वक्त मौजूद हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने 500 बेड के वार्ड का जायजा भी लिया, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 55 करोड़ से ज़्यादा की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इस वक्त निरीक्षण करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, तमाम विकास कार्यों का जायज़ा लेते हुए किस प्रकार से यहां पर स्थिति सुचारू रूप से चल रही है उसका जायज़ा ले रहे हैं, अधिकारियों से डॉक्टर्स से जायज़ा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जानकारी ले रहे हैं। राज्य शासन द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वो किस तरह से चल रही हैं कि आप वो सुचारू रूप से, अब देखिए दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों से भी मिलने पहुंचे। और ऑनलाइन पर हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, ये एक अलग अंदाज है जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, जननेता होने के नाते भी और क्षेत्रीय नेता होने के नाते भी, मुख्यमंत्री का स्वयं इस वक्त कॉलेज में मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं, तो मरीज़ वहां पर थे उनसे भी मिलने पहुंचे और बच्चों के प्रति भी हमने एक बार फिर से उनका वही दुलार, वही प्रेम देखा, बच्चों से मुलाकात की, गिफ्ट भी दिया है। देखिए विवेक, बिल्कुल ठीक है आपने, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सादगी है वो सादगी ही लोगों को भाती है, और ऐसे में अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री पहुंचे और बाकायदे उन्होंने 500 बेड का निरीक्षण किया और साथ ही जो चाइल्ड वार्ड है वहां भी पहुंचे हैं और वहां पर उन सारे जो बच्चे एडमिट थे उन बच्चों से उन्होंने बातचीत की है, बाकायदे उन्हें चॉकलेट दिया है और उन्हें फल भी वितरण किया है और पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज का वो निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टरों से हालचाल ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे कुछ देर में जो कार्यक्रम स्थल है, जो ऑडिटोरियल है, वहां पे पहुंचेंगे और बाकायदे यहाँ पर जो है 55.43 करोड़ की जो 14 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो एमबीबीएस और पैरामेडिकल के जो छात्र हैं उन्हें 438 के आसपास जो टैबलेट है और स्मार्टफोन है वो वितरित करेंगे और बेहद बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। जी दीदी, और सुशील इस वक्त हम वार्ड के अंदर की भी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, ये देख के ऐसा लग रहा है ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या या ये कोई क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यानी यहाँ की व्यवस्था इतनी साफ सुथरी रखी गई है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा है देख के। देखिए विवेक, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता की कमान संभाली थी तो शिक्षा और चिकित्सा इन दो पर वो सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया था और लाइन ऑर्डर पर, तो ऐसे में सभी जो जिला अस्पताल हैं उनको उन्होंने वो सारी सुविधाएं वहां के मरीज और तीमारदार को देने की बात कही थी और तस्वीर आप देखिए किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है कि देखने से नहीं लगेगा कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज है या फिर जो है सरकारी अस्पताल है। आज वो प्राइवेट से भी अच्छी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिल रही है, बेहतर डॉक्टर है, बेहतर चिकित्सा हो रही है, तो ऐसे में जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पिछले कई सालों पहले 6-7 साल पहले जो तस्वीर हुआ करती थी आज की तस्वीर में बहुत अंतर नजर आ रहा है, जमीन आसमान का अंतर कहा जा सकता है। और ये जो 55 करोड़ से ज्यादा की सौगात है बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सुशील, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जो फायदा है सिर्फ गोरखपुर को नहीं मिलेगा, इसका फायदा जो आसपास के जिले हैं वहां से आने वाले लोगों को भी मिलेगा, वो भी मरीज यहां पर अच्छे से और बेहतर इलाज करा पाएंगे, तो कितनी व्यवस्था यहां पर ये बड़ी सौगात से अब बदल जाएगी।
देखिए विवेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास यही रहता है कि जो चूंकि गोरखपुर जो है वो उत्तरांचल ये कह सकते हैं ना कि जो तराई बेल्ट है वो पूरी तरह से टच करता है, और ऐसे में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर सहित नेपाल के जो तमाम इलाके हैं वो सभी को टच करता है। तो ऐसे में यहाँ के जितने भी मरीज हैं वो अपने तीमारदार के साथ पहुंचते हैं तो उन्हें बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयास करते रहते हैं। और इसी प्रयास का एक देन है कि यहाँ पर 55 करोड़ के आसपास का जो सौगात है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर देने जा रहे हैं, जिसमें किडनी के जो कड़ है उसको तोड़ने से लगाए तमाम सिटी स्कैन है और तमाम जो हाईटेक जो मशीनें हैं उसका वो लोकार्पण करेंगे, और निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात यहाँ के मरीज और तीमारदारों को देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहले के और अब में बहुत अंतर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही कि इस स्वास्थ्य सेवाओं का जो फायदा है वो अन्य जिलों को तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस ये स्वास्थ्य संरचना और शिक्षा संरचना, लॉ एंड ऑर्डर, ये मुख्यमंत्री के सबसे प्रमुख अंग हम कह सकते हैं। इस पर खासा वो फोकस भी करते हैं और किसी भी तरह की अधिकारियों से भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते तमाम विषयों में। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भी यहाँ पर लोगों को मिलेगा और उनके जीवन में भी एक नया बदलाव आएगा। और क्या कुछ कार्यक्रम सुशील हैं मुख्यमंत्री के इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं तो ये तमाम स्वास्थ्य योजनाओं के अलावा? देखिए विवेक, निश्चित रूप से अभी ये लाइव तस्वीरें न्यूज के दर्शक जो देख रहे हैं मुख्यमंत्री किस तरह से बकायदे निरीक्षण कर रहे हैं, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो एक बड़ी सौगात देंगे और उसके बाद यहाँ से वो सीधे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और मंदिर में भी जो है मंदिर भ्रमण करेंगे और फिर रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। कल के कार्यक्रम को लेकर कभी कोई जानकारी पक्का नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से अगर कल वो रुकेंगे तो कल का भी कई कार्यक्रम लगेंगे और परसों फिर वो जो है यही मानसरोवर में रुद्राभिषेक करने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। ने सही कहा, मुख्यमंत्री का ये विस्तृत कार्यक्रम है और इस वक्त मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचे थे मेडिकल कॉलेज और किस प्रकार से मरीजों से मुलाकात की, और देखिए यहाँ पर जो थोड़े बच्चे जो एडमिट थे उनसे भी प्यार दुलार किया, मरीजों को फल वितरित भी किए, तो बच्चों को दुलार के साथ चॉकलेट भी दी, फल वितरित भी किए। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर और कार्यक्रम स्थल की भी ये तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी सौगात दी है और गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़े थे। सुशील, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं, 55 करोड़ से ज़्यादा की सौगात बीआरडी मेडिकल कॉलेज को, जिसमें कई इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, विस्तार विकास